उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में भारतीय किसान संघ ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। आपको बताते चले, भारतीय किसान संघ ने शुक्रवार को 5 सूत्रीय मांगों व असमय से भरी वर्षा से प्रदेश के किसानों की फसल के नुकसान के शीघ्र मुआवजा को लेकर धरना प्रदर्शन जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर किया और मुआवजा की मांग करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान संघ ने बताया कि वे आज 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आज जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र गंगवार, जिला अध्यक्ष, भारतीय किसान संघ। क्या डीएम ऑफिस में क्या है मांग? किसानों के द्वारा, भारतीय किसान संघ के द्वारा 5 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया है भारतीय किसान संघ द्वारा पूरे ध्वज प्रांत में, तो उसी के निमित्त ये हम लोगों ने दिया है। पहला है जो छोटा आवारा पशु है वो एक तो पकड़ के गौशाला भिजवाए जाए, अभी भी है गौशाला बनी हुई है लेकिन उसके उपरांत भी रोडों पर ये आवारा पशु किसानों का नुकसान करें। दूसरा है जो किसानों का चीनी मिल पर बकाया भुगतान है, जैसे बहड़ी शुगर मिल पर 135 करोड़ के आसपास बकाया भुगतान है, वो दिलवाया जाए। दूसरा नवाबगंज ओसवान चीनी मिल पर है 56 करोड़ का भुगतान, वो दिलवाया जाए। इसके अलावा डीएपी की किल्लत, जो किसानों को समय समय पर डीएपी नहीं मिल पाती, उसके निमित्त ज्ञापन दिया जाए। तीसरा था जो फसल जो बर्बाद हुई है किसानों की, तो उसके निमित्त इसी में ज्ञापन था, चौथा नंबर था उसमें ज्ञापन था कि किसानों की जो फसल बर्बाद हुई है उसका मुआवजा ठीक तरह से उचित मूल्य पर दिलाया जाए, जो कि लेखपालों के द्वारा ठीक से सर्वे ना हो रहा है, ना होने के कारण उनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, और ठीक से सर्वे कराकर जो जायज है मुआवजे को दिलवाया जाए। तो क्या आश्वासन मिला जिलाधिकारी से? उन्होंने कहा ठीक है, ज्ञापन दिया है आपने, इस पर पूरी कार्रवाई करेंगे।